हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज प्रेशर कुकर में झटपट तैयार होने वाला एक बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बड़ा ही जबरदस्त बिरयानी बनकर तैयार होता है, तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप जरूर लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी एक बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। गैस पे हम एक कुकर ले लिए हैं और उसमें हम डालेंगे तेल और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल अपना अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक प्याज डालेंगे और चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, प्याज के तारों तरफ बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब तेल अपना गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, तो हम प्याज को डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें प्याज फ्राई करने में 5 से 7 मिनट लग सकता है, तो हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। ये हमें ऐसे ही बिरयानी के लिए कलर चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसे तेल से अलग कर लेंगे। तो एक जालीदार चम्मच से हम इसे ऐसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये रहा अपना बिरयानी वाला फ्राई प्याज। अब हम प्याज को अलग रख देंगे और इसी तेल में हम अपना अंडा फ्राई करेंगे। तो तेल गर्म ही है, हम इसमें धीरे धीरे अंडे को डाल देंगे। अंडा डालते टाइम हम गैस का फ्लेम स्लो कर लेंगे, नहीं तो तेल के छींटे कैमरे पे आते हैं। अब हम इसे चारों तरफ से गोल गोल घुमाते हुए ब्राउन कलर कर लेंगे। तो ऐसे हम घुमाते हुए अंडे को फ्राई करेंगे। नहीं अंडे चाहिए बिरयानी के लिए। अब हम एक एक अंडे को इसी प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे हम अंडे को प्लेट में निकाल लेंगे। इसे ज्यादा ब्राउन नहीं होने देना है, नहीं तो ये ऊपर से ड्राई हो जाता है। हमें हल्का ही अंडा को भूनना पड़ता है बिरयानी के लिए। अब हम इसी तेल में तड़का डालेंगे, गरम मसाला। तो सबसे पहले हम गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे और उसमें हम डालेंगे तेजपत्ती, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी स्टिक, 1 चक्रफूल, 7 लौंग, 4 छोटी वाली इलायची, ब्लैक पेपर और जीरा, और इसे हम धीरे धीरे चटकने देंगे। तो हमें फोरन को ज्यादा ब्राउन नहीं होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी कटा हुआ प्याज और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसे भी हमने दरदरा ही कूटा है, इसमें हम बारीक पेस्ट यूज नहीं करते हैं। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने दरदरा डाला है। इसमें हम 5 हरी मिर्च को बीच से काट लिया है, उसे भी डाल देंगे। और लहसुन प्याज के साथ हम 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाला। तो हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और साथ में हम
एक चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे। तो ये हमारा एवरेस्ट का बिरयानी मसाला है, आप कोई भी कंपनी का डाल सकते हैं। और हम सभी मसाले को कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाला अपना भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पे हमने दो बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है। जब हमने टमाटर डाल दिया तो साथ में हम नमक भी डालेंगे। तो इसमें हम टेस्ट के अनुसार अपना नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 चम्मच नमक डाल रहे हैं, क्योंकि चावल के साथ नमक परफेक्ट सेट होना चाहिए। तो आप अपने अंदाज से डालिए। अब हम इसे टमाटर गलने तक अच्छे से मसाला को भूनेंगे। अपनी बिरयानी की ग्रेवी जो है कितनी अच्छी गल चुकी है। अब हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसमें 1 ग्लास चावल लिया है, तो उसी ग्लास से हम 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। आप कभी भी कुकर में चावल बनाइए तो जितना चावल हो उसके 1.25 ग्लास पानी दीजिए, यानी कि 1 ग्लास चावल हो तो 1.25 ग्लास पानी लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये 1 ग्लास चावल को हमने 2 से 3 बार धो के 20 मिनट पहले इसे सोख होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको पानी से निकाल के और ग्रेवी में डालेंगे। तो ऐसे हम चावल को ग्रेवी में डाल देंगे। हम चावल को ग्रेवी के साथ ऐसे मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, चावल के ऊपर अपने एग को ऐसे सजा देना है। और उसके ऊपर हम ये फ्राई किया हुआ ओनियन डालेंगे। तो ऐसे हम ओनियन को डाल देंगे। था 1.25 ग्लास, मतलब 1/4 ग्लास पानी हम अब डाल देते हैं। अब हम कवर कर लेंगे प्रेशर कुकर को और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 भीसल आने तक पकाएंगे। एक सीटी आने के बाद हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर लिया। अब हम इसका गैस अपने आप निकलने देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, प्रेशर निकल चुका है। अब हम ढक्कन को खोलेंगे। अरे वाह, क्या मस्त बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और कुछ मिंट के पत्ते को हम तोड़ के डालेंगे। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो पुदीना पत्ता मत डालिए, लेकिन हमें इसका फ्लेवर पसंद है तो हम डाल रहे हैं। अब हम बिरयानी निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कितना खुला खुला एक बिरयानी बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो हम किनारे से एक एक एग को ऐसे निकालेंगे और इसके प्लेटिंग करेंगे। प्रेशर कुकर में एक बिरयानी बनकर तैयार है। ये बड़ा ही मजेदार बिरयानी बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी एक बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।